तो हाय गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल SPS गेमिंग जोन में। नो फेक न्यूज, नो फेक अपडेट्स, ओनली 100% रियल कंटेंट। सो गाइस, सबसे पहले तो आप देखते हैं गेम के अंदर जो OB40 का अपडेट आ चुका है, ठीक है। कल आपने भी जो गेम को अपडेट कर लिया वो देख सकते हो दोस्तों, पूरा इंटरफेस चेंज हो चुका है, ठीक है। देख सकते पूरा ही यहाँ पर जो आगे का इंटरफेस है ना, मतलब आगे की स्क्रीन का जो है सारा चेंज कर दिया गया, ठीक है। अब देख सकते दोस्तों, जो भी नए नए इवेंट आ रहे हैं वो यहाँ पे देख सकते नीचे शो हो रहे हैं, यहाँ पे नीचे लिखा ना। तो गाइस, ये जो न्यू इवेंट आया ना, ये स्पाइडरमैन से रिलेटेड आया। आपको पता ही होगा कि फ्री फायर मैक ने जो है स्पाइडरमैन के साथ जो है कोलैब किया है, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड ये इवेंट आया, ठीक है। तो इस इवेंट पर हम क्लिक करके इसके अंदर चलते हैं, ठीक है। तो अगर देख से ये वाला इवेंट है एंटर द स्पाइडर वर्स, ठीक है। तो ये इवेंट है और ये जो इवेंट है स्पाइडरमैन से रिलेटेड है, क्योंकि फ्री फायर ने जो है उसके साथ कोलैब किया है, ठीक है। अब दोस्तों, इस इवेंट को कैसे कंप्लीट करना है वो आपको बताऊंगा। और गाइस, मैं आपको बता दूं, इस इवेंट के अंदर हमें जो एक इमोट देखने को मिला है, ये वाला देख सकते हैं। कुछ कह सकते हैं मतलब ज्यादा ओपी तो इमोट नहीं, बट फिर भी ठीक ठाक इमोट है, ठीक है, अच्छा इमोट है, ठीक है। तो ये आपको फ्री में देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो अब ये जो इमोट आपको लेना कैसे वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। बट उससे पहले जो सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए और पहली बार हैं तो प्लीज हमारे चैनल SPS गेमिंग जोन को सब्सक्राइब कर देना और बेल को नोटिफिकेशन पर सेट कर लेना। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि जो इवेंट है कैसे कंप्लीट करना है। तो गाइस, ये बहुत ही सिंपल इवेंट है, पहले भी इसी टाइप के इवेंट आ चुके, ठीक है। तो अभी भी ये वैसा ही इवेंट है। तो गाइस, इसमें आपको करना क्या है, तो गाइस सबसे पहले तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको मिशन देखने को मिले। जब आप इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपको कुछ टोकन देखने को मिलते हैं, ये वाले अर्थ 1610 टोकन, ठीक है। तो ये वाला टोकन देखने को मिलता है, इसका नाम है, ठीक है। तो ये जो टोकन है सिर्फ आपको डेली टास्क से देखने को मिलेंगे, जो मिशन दिखाया ना मैंने अभी आपको, इसमें से देखने को मिलेंगे। तो बस सिंपली आपको क्या करना है, टोटल जो आपको 10 मैच खेल देने, चाहे वो CS में खेलना चाहे वो BR में, ठीक है। दो ऑप्शन है, BR में या CS में, लोन वोल्व में नहीं चलेगा, ठीक है। तो आपको ऐसे 10 मैच खेल देने। तो डेली के दोस्तों मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर हमें जो 3, 2, 5, 2, 7, 2, 9, 10, ठीक है। तो मतलब एक दिन में आपको जो 10 टोकन देखने को मिलेगा, आपको 10 मैच खेल देने चाहे वो BR में खेलिए चाहे CS में, ठीक है। रैंक भी चलेगा, नॉर्मल भी चलेगा सीरीज, ठीक है, बट लोन वुल्फ नहीं चलेगा, ठीक है। तो आपको डेली के डेली ये 10 टोकन देखने को मिलेंगे। उसके बाद सबको क्या करना है, यहाँ पर जो आपको स्पिन लगाना है, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर एक फ्री स्पिन अभी दिया जा रहा है, ठीक है, मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। साथ में दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं, अगर आपको 5 स्पिन एक साथ लगाना है तो उसके लिए आपको 10 टोकन की जरूरत है। तो गाइस, आपको ऐसे करना है, 10 एक साथ इकट्ठे कर ले लें, फिर आपको स्पिन लगाना है 5 का, तो उसमें ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है। अब दोस्तों, अगर आप स्पिन करेंगे तो गाइस क्या मिलेगा आपको, ठीक है। अगर आप स्पिन करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर नीचे लिखा ना प्राइस प्रीव्यू, ठीक है। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो गाइस यहाँ पर देखते हैं, 5 तरह के कार्ड बने। तो गाइस, आपको यही कार्ड कलेक्ट करने, ठीक है। आप स्पिन लगाएंगे तो आपका ये जो कार्ड देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और ये जो कार्ड है दोबारा भी निकलेंगे, ठीक है, मतलब 2 भी निकल सकते हैं, 5 भी निकल सकते हैं, 10 भी निकल सकते हैं, ठीक है। तो मतलब ये कार्ड निकलते रहेंगे। तो गाइस, इसमें आपको करना है, जैसे आप मान के चलिए आपने स्पिन लगाया तो ये कार्ड निकल जाएगा। तो आपको ये जो 5 कार्ड ऊपर बने ना, ठीक है, आपको ये एक एक पहले इकट्ठे कर लेने, ठीक है। पहले आपको ये वाला व्हाइट वाला इकट्ठा करना, फिर ये रेड वाला, ठीक है, उसके बाद ये ब्लैक वाला, फिर ये कैली वाला, और ये उसके बाद ये जो ग्रीन वाला कौन सा करेक्टर था, शीरो, ठीक है। ये वाला आपको कार्ड एक एक कलेक्ट कर लेना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिमिट दी है कि आपको एक एक कलेक्ट करना है। जैसे दोस्तों, आप ये एक पांचों के पांचों कार्ड एक एक कलेक्ट कर लेंगे स्पिन लगाने के बाद, तो सबसे पहले आपको जो यहाँ पे गोल्ड देखने को मिल जाएगा 500, ठीक है। उसके बाद दोस्तों क्या होगा, फिर यहाँ पे आएगा कि आपको जो ये पांचों कार्ड है ना, वो दो दो इकट्ठे करने हैं, मतलब कि व्हाइट वाला स्पाइडरमैन जो है दो इकट्ठे करने हैं, रेड वाला है वो भी दो इकट्ठे करने हैं, ब्लैक वाला वो भी दो इकट्ठे करने हैं, और उसके बाद ये जो कैली है वो भी आपको दो कार्ड इकट्ठे कर लेने हैं, और उसके बाद शीरो के भी दो कार्ड इकट्ठे कर लेने हैं। जैसे आप दो कार्ड इकट्ठे कर लेंगे तो गाइस आपको गोल्डन वाउचर देखने को मिले। ऐसे फिर नेक्स्ट टाइम क्या होगा, आपको 3-3 कार्ड इकट्ठे कर लेने हैं, फिर आपको ये एक एक क्रेडिट मिलेगी, ठीक है, फिर 4-4 इकट्ठे करने, फिर लास्ट में आपको 5-5 इकट्ठे करने होंगे। जैसे 5-5 कार्ड इकट्ठे कर लेंगे तो गाइस आपको जो ये मोड देखने को मिल जाएगा, ठीक है। मतलब इस टाइप से आपको करना हो, ये जो इवेंट है ऐसे टाइप का पहले भी काफी इवेंट आ चुके, तो आपने किया होगा, आपको पता होगा, ठीक है। अब दोस्तों, यहाँ पर देख से मेरे पास अभी फिलहाल एक भी टोकन नहीं, क्योंकि मैंने अभी मिशन कंप्लीट नहीं किया। बट यहाँ पर देख से एक फ्री स्पिन देखने को मिला, तो मैं फ्री स्पिन पर यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो देखते मुझे जो है कैली वाला कार्ड देखने को मिल चुका है, ठीक है। यहाँ पर देख से मेरे पास एक कैली वाला कार्ड हो चुका है। इसी टाइप से दोस्तों मुझे स्पिन लगाना है, ठीक है। अगर मैं 2 का टोकन का यूज करता हूँ तो 1 स्पिन मिलेगा, 10 टोकन का यूज करता हूँ तो 5 स्पिन मिलेंगे। तो आपको इकट्ठे कर लेने और एक साथ 5 वाला स्पिन लगाने, ठीक है। जैसे आप स्पिन लगेंगे तो आपको इन 5 में से कोई भी कार्ड देखने को मिल सकता है, और पहली बार में आपको 5 कार्ड इकट्ठे कर लेने। उसके बाद दोस्तों आपको गोल्ड देखने को मिल जाएगा साइड में से, फिर उसके बाद 2-2 कार्ड इकट्ठे कर लेने, फिर आपको गोल्डन वाउचर, फिर एक एक रेट, फिर ये आपको पैराशूट, उसके बाद लास्ट में आपसे 5-5 कार्ड इकट्ठे करने को कहेगा, ठीक है। तो उसके बाद आपको इमोट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और गाइस, मैं आपको बता दूं, आप ये कार्ड जो है अगर आपके पास एक्स्ट्रा हो जाते हैं, आप अपने फ्रेंड को शेयर भी कर सकते हैं और उससे ले भी सकते हैं। तो आपको अगर दोस्तों मान के चलिए किसी कार्ड की जरूरत है, ठीक है, सपोज कीजिए दोस्तों कि आपको मान के चलिए व्हाइट वाला स्पाइडरमैन चाहिए, ठीक है, ये वाला कार्ड से आपका नहीं निकला और आपके किसी दोस्त के पास होगा, तो आपको पता कैसे करना है। तो गाइस, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे छोटा सा हार्ट का निशान बना है, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों, इसका फायदा ये है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे कलर हो गया येलो कलर का। अब इसका दोस्तों ये फायदा है कि आपके फ्रेंड लिस्ट में जितने भी फ्रेंड है उनके पास एक नोटिफिकेशन चला, जिसमें उन्हें पता चल जाएगा कि आपको जो व्हाइट स्पाइडरमैन वाला कार्ड चाहिए। अगर किसी के पास एक्स्ट्रा होगा तो वो जो आपको गिफ्ट कर देगा, ठीक है।
इसी टाइप से आपको करना है। अगर दोस्तों आपको ये वाला मतलब ये ब्लू वाला स्वेटर में चाहिए तो आप इस पर क्लिक कर देना, पहले आपको इस पर से हटाना पड़ेगा फिर इस पर क्लिक कर देना। तो देखते अब जो है यहाँ पे आपके फ्रेंड लिस्ट में जितने बंदे उनको ये वाला नोटिफिकेशन चलेगा कि आपको जो है ये ब्लू वाला स्पाइडरमैन कार्ड चाहिए, अगर किसी के पास एक्स्ट्रा होगा तो आपको गिफ्ट कर देगा। ठीक है गाइस, मैं आपको बता दूं कि आप एक दिन में एक ही कार्ड अपने फ्रेंड से गिफ्ट करवा सकते हैं, ठीक है मतलब उसे ले सकते हैं। अब दोस्तों बात आती है कि अगर आपको गिफ्ट करना है ठीक है, तो गाइस आपको क्या करना है, यहाँ पर देखते एक्सचेंज लिखा, जब आप एक्सचेंज पर क्लिक करते हैं तो गाइस यहाँ पर देखते हैं यहाँ पे गिफ्ट वाला बना आ रहा है। ठीक है अब दोस्तों यहाँ पर ये देखते जो पिन 99 जो भी मेरी फ्रेंड्स में, इसने ना क्या किया कि ऐसी इसको ये वाला कार्ड चाहिए था कैली वाला, तो उसने उसके हार्ट पर क्लिक कर दिया, वहाँ पर जो छोटा सा हार्ट बना है मैंने आपको बताया ना, उसने हार्ट पर क्लिक कर दिया, तो मुझे नोटिफिकेशन आ चुका कि ये पिन 99 जो भी प्लेयर है ठीक है इसको जो है कैली वाला कार्ड चाहिए। ठीक है बट मेरे पास एक्स्ट्रा नहीं है, अगर दोस्तों मेरे पास एक्स्ट्रा कार्ड होते तो यहाँ पे ये जो गिफ्ट बनाने गोल्डन का था मैं उस पर क्लिक कर देता, तो मेरे पास अगर एक्स्ट्रा कैली का कार्ड होता तो ये वाले पिन 99 भाई को जो है वो सेंड हो जाता, ठीक है उसको मिल जाता। ठीक है ऐसे होता है। ठीक है अगर मान के चलिए आपको कोई कार्ड की जरूरत ना, आपने हार्ट पर क्लिक कर दिया, तो इसी टाइप से दोस्तों आपके सभी फ्रेंड्स को नोटिफिकेशन जाएगा, वो भी यहाँ पर जो गिफ्ट कर पाएगा। ठीक है और मान के चलिए उसने आपको गिफ्ट कर दिया, सपोज कीजिए दोस्तों उसने आपको कार्ड गिफ्ट कर दिया, तो गाइस आपको क्या करना है, आपको जो यहाँ पे क्लेम पर आ जाना है, यहाँ पर दोस्तों आपको शो होगा जो कि आपके दोस्त ने आपको कार्ड गिफ्ट किया होगा। ठीक है जो भी आपके दोस्त ने कार्ड आपको गिफ्ट किया होगा वो यहाँ पे क्लेम वाले सेक्शन में शो होगा। और दोस्तों अगर किसी आपके दोस्त को कार्ड चाहिए तो वो गिफ्ट वाले सेक्शन में शो होगा, आप उसे जो गिफ्ट कर सकते हैं कार्ड, जैसे कि यहाँ पर देखते इस भाई को जो कैली वाला कार्ड चाहिए, अगर आपके पास एक्स्ट्रा होगा तो यहाँ पे गिफ्ट पर क्लिक कर देना, वो गोल्डन कलर का आएगा। ठीक है उस पर क्लिक करेंगे तो ये जो कार्ड है आपके दोस्त को चला जाएगा, और अगर आपका कोई दोस्त आपको कार्ड दे रहा है तो आपको क्लेम वाले सेक्शन में आ जाना है, तो आपको जो वो वाला कार्ड यहाँ पर से आकर क्लेम कर लेना अगर आपके दोस्त ने आपको गिफ्ट किया हुआ। ठीक है इसी टाइप से दोस्तों को कार्ड गिफ्ट करना है ले लेना। ठीक है उसके बाद पिन वगैरह लगाना है, वो तो मैंने आपको बता दिया कैसे कैसे आपको कार्ड इकट्ठे कर लेना है, फिर आपको जो साइड वाले सारे रिवार्ड देखने को मिल जाएंगे। तो बहुत ही सिंपल इवेंट था दोस्तों, तो आप इसे आसानी से कंप्लीट कर लेना। बाकी दोस्तों टोकन जो है आपको कुछ दिनों बाद जो है अनलिमिटेड फिर से देखने को मिलेंगे आफ्टर मैं ड्रॉप के बाद, वो लास्ट वाले कुछ 4-5 दिन में देखने को मिल जाएंगे, उसकी आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है फिलहाल दोस्तों इतना इवेंट था, मैंने आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दिया, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद और आपको ये इवेंट भी समझ आ गया कि हमें इसे कैसे कंप्लीट करना और रिमोट वगैरह कैसे लेना स्पाइडरमैन वाला। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना, साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल को भी नोटिफिकेशन पर सेट कर लेना। तो चलिए दोस्तों फिर अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तो तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।